जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की अगली जो कथा है वह गाजियाबाद में कौन से स्थान पर होने वाली है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है तथा कौन से स्थान पर होगी, संपूर्ण डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे आप सही समय पर बागेश्वर हनुमंत कथा में जा सके। और इसमें गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार एक दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे तथा यह दिव्य दरबार बिना किसी टोके नंबर के लगेगा। सभी लोगों की अर्जी लगेगी जिस पर बागेश्वर वाला जी और सन्यासी बाबा की कृपा होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं, 14 अक्टूबर को यहाँ पर कलश यात्रा निकलने वाली है और यह कलश यात्रा जो है, जो स्थान आपको बताया जा रहा है उसी स्थान से यह कलश यात्रा प्रारंभ होगी। और कलश यात्रा में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी महिला, कोई भी लड़की इसमें कलश यात्रा में शामिल हो सकती है तथा पीले वस्त्रों का इंतजाम करें, क्योंकि लाल और पीले वस्त्र ही कलश यात्रा में चलते हैं और कलश आपको वहां से ही मिल जाएंगे, जो एड्रेस आपको बताया जाएगा। तो कलश यात्रा जो निकलेगी वह 10 बजे के आसपास निकलेगी और 14 अक्टूबर को यह कलश यात्रा निकलेगी। बात करते हैं, 14 अक्टूबर को बागेश्वर धाम सरकार 5 बजे से कथा को प्रारंभ करेंगे और उनकी ही इच्छा तक होगी, जब तक वह चाहेंगे जब तक वह कथा का समापन करेंगे। बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को भी बागेश्वर गुरुजी 5 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे और जब तक चाहेंगे जब तक उनकी मर्जी होगी। और आपको बताना चाहें, 15 को भी होगी कथा, फिर 16 को भी उसी समय पर होगी और 17 अक्टूबर को बागेश्वर धाम सरकार इसमें 12 बजे से दिव्य दरबार लगाएंगे और यह दिव्य दरबार बिना किसी को टोके नंबर के लगेगा। सभी की अर्जी लगेगी जिसपे बालाजी की और सन्यासी बाबा की कृपा होगी तथा आप लोगों से गुजारिश है, जब भी बागेश्वर दिव्य दरबार में अगर आप जाते हैं तो घर से अर्जी लगाकर निकले, जिससे यह होगा कि सन्यासी बाबा की तक और बालाजी तक आपकी अर्जी पहुंच जाएगी और आपका भी इसमें नंबर आ सकता है। तो अगर आप दिव्य दरबार में जाते हैं किसी भी, तो सबसे हो सके तो आगे बैठिए। आगे बैठने से ये होगा कि बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की आप पर नजर रहेगी और दिव्य दरबार का भी आप आनंद ले सकते हैं। और इस सबसे पहले आप जब भी दिव्य दरबार में जाया करें तो आगे बढ़ने की कोशिश करा करें, जिससे दिव्य दरबार का भी आनंद प्राप्त कर सके और आपकी भी अर्जी आसानी से लग सके। 17 अक्टूबर को दिव्य दरबार लगेगा, 12 बजे से लगेगा और 2-3 घंटे तक का यह समय है। 3 बजे तक ही ये दिव्य दरबार चलेगा, फिर शाम को बागेश्वर गुरु जी कथा को प्रारंभ कर देंगे तथा 18 और 19 को भी बागेश्वर धाम सरकार 5 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे, हनुमंत कथा। और आपको बताना चाह रहे हैं, ये कौन से स्थान पर गाजियाबाद में कथा होने वाली है, इस कथा का एड्रेस आप नोट करिए, जिससे आपको सही समय पर आप वहां पर जा सकें तथा मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, रामपुर, कहीं से भी अगर आसपास के इलाके से आ रहे हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर ये सब पास में ही पड़ता है और आप आसानी से आ सकते हैं। तो आप स्थान को नोट करिए, स्थान है रामलीला मैदान, कबीर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नीचे को, तो दोबारा से बता दे रहे हैं, एक कथा स्थल है रामलीला मैदान, कबीर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। यह 5 दिन की श्री हनुमंत कथा और 1 दिन का दिव्य दरबार इसमें लगने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जहां जहां पर भी जाते हैं, आगामी कथाएं सितंबर में और अक्टूबर में कौन कौन से स्थान पर होने वाली है, आप हमारे चैनल पर जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हमने सितंबर महीने की भी संपूर्ण जानकारी दे रखी है कि सितंबर महीने में बागेश्वर गुरुजी धाम पर दिव्य दरबार कौन कौन सी डेट में लगाने वाले हैं तथा अन्य स्थानों पर बागेश्वर गुरुजी की कथाएं कौन कौन सी डेट में होगी और कहां कहां पर होने वाली है। तो सितंबर महीने की संपूर्ण जानकारी पहले से ही वीडियो में दे रखी है और अक्टूबर, 2 अक्टूबर की भी ये जानकारी दे रखी, अपडेट हमको प्राप्त हुआ। हमने सोचा आपके लिए जानकारी देना परमावश्यक है, क्योंकि अभी अक्टूबर का भी काफी समय बचा है और आप आसानी से जा सकते हैं। और आपको बताना चाहें, अगर बागेश्वर धाम सरकार की कथा ये कैंसिल होती है या किसी कारण इसमें अपडेट होता है या लोकेशन चेंज होती है तो हम वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहें। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, इससे ये होगा जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को देखकर आप सही और प्रमाणिक जानकारी को प्राप्त कर दिव्य दरबार और कथाओं में आप जा सकते हैं।
और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे ही कमेंट हम आपको देखेंगे तो उसका रिप्लाई हम करेंगे। वैसे तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, वीडियो में ही हमने जानकारी दे दी गई है। तो यह आपको गाजियाबाद की संपूर्ण जानकारी है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट और अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। और आपको बताना चाहें, बागेश्वर धाम सरकार से मिलने के लिए, दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए या कथा पांडाल में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से ऑनलाइन भी फ्रॉड बहुत चल रहा है। कथा स्थल या बागेश्वर धाम पर अगर आप जाते हैं तो वो भी वहां पर भी बहुत फ्रॉडबाजी हो रही है, तथा ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कथा में प्रवेश के लिए दिव्य दरबार में अर्जी के नाम पर, रहने खाने पीने के नाम पर आपसे अगर कोई दक्षिणा किसी भी प्रकार का शुल्क अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आप बागेश्वर धाम समिति कार्यालय या बागेश्वर धाम सरकार का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे फ्रॉडबाजी और धोखाधड़ी से आप सावधान रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉडबाजी हो रही है, सभी लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। तो अगली और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसके लिए अब चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की जय।